हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईपीएल 2023 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर 3 अप्रैल को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो सिनेमा के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो मैदान है ना, जनरली बल्लेबाजी करने के लिए उतना आसान होता नहीं है। जो चेन्नई की पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाला है, तो मेरे को लगता नहीं इस मुकाबले के अंदर हमको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जो कि पहले मुकाबले में हार गई, जहां जो इस टीम की गेंदबाजी है ना वो पूरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि ये मैदान है चेन्नई का और यहाँ पे जो चेन्नई की टीम है ना काफी कमाल खेलती, तो टीम उम्मीद करेगी अपने होम ग्राउंड के ऊपर टीम ना पहला मुकाबला जीत पाए। यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है। पिछले मुकाबले में टीम के तेज गेंदबाज तो पूरी तरह फ्लॉप हो गए थे, हालांकि जो महेश थीक्षणा है ना वो इस मुकाबले के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, तो टीम उनको जरूर से मिस करने वाली है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर रविंद्र जडेजा हो गए, मिचेल सेंटनर हो गए, मोइन अली हो गए, ये लोग एक बड़ा पार्ट प्ले करेंगे, तो देखते हैं इस बार टीम उनको कैसे यूटिलाइज कर पाएगी। पिछले मुकाबले के अंदर मोइन अली ने एक भी ओवर गेंदबाजी में नहीं डाला, मेरे को ये बात समझ नहीं है उन्होंने ओवर क्यों नहीं डाले। मोइन अली एक बहुत अच्छे गेंदबाज, उनको यूज करना चाहिए। दीपक चहर पे टीम को ज्यादा ही रिलाय करती है। स्टार्टिंग के ओवर्स में दीपक चहर को फिर एक बार टीम को विकेट निकाल के देने पड़ेंगे। बात करता हूं अगर मैं बल्लेबाजी के बारे में, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर एक बार प्रूव कर दिया वो किस क्वालिटी के बल्लेबाज हैं। अगर गायकवाड़ फॉर्म में रहे ना तो चेन्नई के लिए काफी कमाल की बात होगी। लेकिन उनके अलावा बाकी बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए। बेन स्टोक्स इस टीम के अंदर है, अंबती रायडू है इस टीम में, डेवन कॉनवे है, तो बल्लेबाजी के अंदर भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऋतुराज बहुत कमाल खेले पिछले मुकाबले में, एक तो ये इंपैक्ट रोल आ गया, इस वजह से मेरे को पता नहीं लगता कि प्लेइंग 11 क्या होगी, तो प्लेइंग 11 के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हालांकि मेरे को लगता नहीं टीम बल्लेबाजी के अंदर कुछ चेंज करेगी, लेकिन हो सकता है ऐसा इंपैक्ट प्लेयर इस मुकाबले में स्पिनर्स यूज हो पाए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मुकाबला चेन्नई के अंदर है, तो जो चेन्नई की टीम है ना बहुत सारे स्पिनर्स यूज कर सकती है इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, जिन्होंने पहले मुकाबले के अंदर दिल्ली को एक तरफा तरीके से हरा दिया, और ये टीम फिर एक बार ना इस मुकाबले के अंदर बहुत ही कमाल की वापसी करना चाहेगी। जिस तरीके से मार्क वुड ने गेंदबाजी करी पिछले मुकाबले में, उन्होंने मुकाबला पलट दिया, 5 विकेट निकाले। हालांकि इस मैदान पे तेज गेंदबाजों को उतनी हेल्प मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी मार्क वुड इस मुकाबले के अंदर एक बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। स्पिनर्स के रूप में आपके पास रवि बिश्नोई का ऑप्शन है। रवि बिश्नोई ने पिछले मुकाबले के अंदर भी 2 विकेट निकाले, फिर एक बार जो बिश्नोई है इस मुकाबले के अंदर काफी कमाल कर सकते हैं। और कृष्णप्पा गौतम और कृणाल पांड्या, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, एटलीस्ट चेन्नई के मैदान के ऊपर तो इन लोगों को भी हेल्प मिलेगा। तो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में ना काफी शॉर्ट आउट लगती है मेरे को लखनऊ की टीम, फिर एक बार ये टीम अच्छा करना चाहेगी। बल्लेबाजी में जिस तरह से काइल मेयर्स खेले पिछले मुकाबले में, भाई देखकर मजा आ गया। मतलब क्विंटन डिकॉक नहीं थे पिछले मुकाबले में, लेकिन जो बल्लेबाजी करी काइल मेयर्स ने, भाई साहब प्रूव कर दिया वो डिजर्व करते हैं इस टीम में होना। उसके अलावा मार्कस स्टॉइनिस इस टीम के अंदर है, निकोलस पूरन इस टीम के अंदर है, तो ऑर्डर मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है इस टीम का। तो लखनऊ के बाद मेरे हिसाब से काफी बैलेंस टीम है, हालांकि दीपक हुड्डा और राहुल को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो लखनऊ के लिए ओपन कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर केएल राहुल और काइल मेयर्स, नंबर 3 पे दीपक हुड्डा, नंबर 4 पे मार्कस स्टॉइनिस, नंबर 5 पे कृणाल पांड्या, नंबर 6 पे निकोलस पूरन, नंबर 7 पे आयुष बादोनी, फिर कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मार्क वुड। तो जरूर से बहुत ही अच्छी टीम है लखनऊ के पास और टीम इस मुकाबले में जीतना चाहेगी। कमेंट करके बताओ आप इस मुकाबले में कौन जीतेगा, वो टीम होगी लखनऊ, वो टीम होने वाली आपके लिए चेन्नई है, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरी पिक रहेगी इस मुकाबले के अंदर लखनऊ की टीम, मेरे को लगता है लखनऊ इस मुकाबले में जीतेगी और लगातार 2 मुकाबलों में जीत हासिल करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।